Athletic Maths Adda. I am Vinay Pandey. Dear learners, real analysis में almost सारे topics में पुराने lectures में cover कर चुका हूँ. उसमें एक हमारा improper integrals एक chapter ये छूट गया था, तो इस chapter के topics जो है वो अब मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ. तो real analysis, जिसने भी पुराने वीडियोस देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पुराने वीडियोस देख सकता है. और इसकी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की पहली आज वीडियो में आज लेकर के आया हूँ. स्टार्ट करते हैं. कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे. इन पॉइंट्स में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में मैं प्रीवियस इंटीग्रेशन सॉरी रीमैन इंटीग्रेशन जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे भी मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. फिर दोबारा से एक बार यहाँ पे एक क्विक रिवीजन आपका मैं करवा दे रहा हूँ इन सारे पॉइंट्स का. डिटेल में आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज इनफाइनाइट इंटरवल. क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल आप सब लोग जानते हैं, जूनियर क्लासेस से पढ़ के आए हुए हैं. तो उन इंटरवल्स में किस तरीके के इंटरवल्स को हम इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं, पहले उसको देखते हैं. अब बात करें इनफाइनाइट वर्ड जहाँ पे आता है, इनफाइनाइट इंटरवल जब आता है तो किसी भी इंटरवल में अगर इनफाइनाइट कहीं पे किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे है तो उस इंटरवल में हमेशा ओपन इंटरवल का सिंबल लगता है, ये आपको पता होगा. तो अगर मैं बात करूँ, इफ वी हैव एन इंटरवल लाइक दिस, if we have an interval like this, if we have an interval like this, all these intervals are called infinite interval because one of the extreme point is always infinite. अगर किसी भी इंटरवल में एक भी एक्सट्रीम पॉइंट, इंटरवल का एक भी पॉइंट अगर इंफिनिटी बन जाता है, ये प्लस का इंफिनिटी या नेगेटिव का इंफिनिटी, तो उस केस में उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल. क्लियर? तो ये तो बात हो गई इनफाइनाइट इंटरवल की, कि कोई भी एक पॉइंट अगर आपका इंटरवल में इंफिनिटी है तो उस केस में उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल. इसका काफी यूज होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में. बाउंडेड फंक्शंस, इफ वी हैव एनी इंटरवल आई, आई कोई भी एक इंटरवल हमने ले लिया, इस इंटरवल में एक फंक्शन एफ एक्स हमने लिया होगा, मीन्स this I is the domain of function fx. If fx satisfies this condition, fx is less than equal to b, greater than equal to a, for all x belongs to I, then f is said to be bounded. किसी भी फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कब कहा जाता है, रीमेन इंटीग्रेशन में भी मैंने आपको बताया हुआ है. अगर किसी भी इंटरवल में x की आप कोई भी वैल्यू आप इस इंटरवल से ले रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू a से बड़ी आ रही है और b से छोटी आ रही है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी फंक्शन की अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाती है देन द फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन. ये आपको बताया हुआ पहले. अब अनबाउंडेड फंक्शन किस तरीके के होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू पे. ये फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है. क्यों है? बिकॉज एट पॉइंट x इक्वल टू वन द फंक्शन इज डज नॉट द फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड एंड x एट x इक्वल टू टू द फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, अपॉन में जीरो बन जा रहा है. तो इस तरीके के फंक्शन को अनबाउंडेड बोलेंगे हम. आई होप आपको ये दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई, बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन की. अब आते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. अगर ये भी मैं आपको पहले बता चुका, इफ x1 और x2 हमने दो पॉइंट दिए और x1 और x2 में क्या रिलेशन है, ये दोनों पॉइंट्स किस कहां से लिए हुए हैं, ये दोनों पॉइंट्स उसी इंटरवल i से लिए हुए हैं, तो इंटरवल आपको पहले से डिफाइंड होगा. इफ x1 लेस देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 लेस देन fx2 देन द फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. क्या हो रहा है इसमें, x की वैल्यू बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है. इस तरीके के फंक्शंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस बोला जाता है. इफ x1 लेस देन x2 बट fx1 ग्रेटर देन fx2 देन द फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग.
एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ अगर फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, उसकी वैल्यूज डिक्रीज होते जा रही है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. ये आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियोज में. इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था, साइन 0 π/2 π. अगर लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यूज तो बढ़ी है. साइन एक्स में अगर आप देखें 0 से π/2, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है. तो इट मीन्स द फंक्शन साइन एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बिटवीन 0 and π/2, एंड द फंक्शन साइन एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 π. क्योंकि पाई बाई टू और पाई में एक्स की वैल्यू तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो इस तरीके के फंक्शन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है. हम आज जो अब हम इससे आगे शुरू करने जा रहे हैं वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है. दो तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. उसको डिस्कस करते हैं, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एक्चुअली होते क्या. तो स्टूडेंट्स अगर बात करें इंटीग्रल्स की, तो इंटीग्रल्स में आपको पता है एक इंटीग्रैंड होता है, और डेफिनेट इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होगी. तो इंटीग्रल जो है वो दो टाइप से होंगे आपके, प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. इंटीग्रल्स आर ऑफ टू टाइप्स. डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात हो रही है, प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में आपको जब तक प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिफरेंस नहीं पता होगा. प्रॉपर भी दो टाइप्स के होते हैं, इसमें एक फर्स्ट काइंड होगा और एक होगा सेकेंड काइंड. जब तक आपको ये इनके बीच में डिफरेंस पता नहीं होगा, तब तक आप किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होना चेक नहीं कर सकते. कन्वर्जेंट इंटीग्रल क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है डेफिनेट आ रही है तो उसको कन्वर्जेंट बोलते थे. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपको सीक्वेंसेस में भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले. तो आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उससे पहले ये चेक करेंगे कि द इंटीग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड. फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर है, सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर है. तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखें और उसको समझे कि क्या क्राइटेरिया है जो फंक्शंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. बात करें प्रॉपर इंटीग्रल्स की, तो इसमें आपको जो कंडीशंस देखनी है वो दो कंडीशंस क्या क्या है. पहली कंडीशन ये है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, एंड द सेकंड कंडीशन इज इंटीग्रैंड इज बाउंडेड. अगर कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल आपको दिया हुआ है और उसमें जो इंटीग्रेशन की रेंज है वो अगर फाइनाइट है और फंक्शन आपका बाउंडेड है, दोनों में आपको अभी इससे पहले डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अगर कोई भी इंटीग्रल इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए देन द फंक्शन देन द इंटीग्रल इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल. एंड प्रॉपर इंटीग्रल्स आर ऑलवेज कन्वर्जेंट. प्रॉपर इंटीग्रल की हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू आती है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. We have 0 to 1 sin x upon x dx. देखिए आप इस इंटीग्रल को, क्या ये जो इंटीग्रल मैंने लिखा हुआ है क्या ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जो दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. क्या क्या वो दोनों कंडीशंस है कि द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट. रेंज फाइनाइट है, 0 से 1 में आप इसको इंटीग्रेट करें तो फाइनाइट इंटरवल आपने लिया हुआ है. एंड इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड क्या है, ये है ये बाउंडेड है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप इसमें रखोगे तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी. और 0 पे अगर आप निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1. तो ये जो इंटीग्रेशन हमने लिया है इसकी रेंज भी फाइनाइट है एंड द फंक्शन इंटीग्रेंड इज ऑलवेज बाउंडेड इन द इंटरवल 0, 1. सो दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल. नाउ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की अगर हम बात करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में दो तरीके के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होते हैं, एक है फर्स्ट काइंड और एक है सेकेंड काइंड. फर्स्ट काइंड में क्या होगा, रेंज ऑफ
integration is infinite and integrand is bounded. Example dekhiye, 0 to infinity इंटीग्रेशन की लिमिट में एक लिमिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए. और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कोई भी वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, इस इंटरवल के बीच की हर एक वैल्यू पे फंक्शन की आपको कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू मिल गई है. तो फंक्शन बाउंडेड भी है, कोई भी वैल्यू आप इसके बीच में रख लीजिए. और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उस लिमिट में एक लिमिट एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी. अगर दोनों की दोनों लिमिट इन्फिनिटी होगी तब भी फर्स्ट काइंड होगा, अगर इंटीग्रेंड आपका क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए. So the condition is, if the integrand is bounded and the limit is, one of the limit is infinity, at least one of the limit is infinity. Dono infinity mein tab bhi chal jayega. This integral is of first kind. Ye first kind ka improper integration hoga. Dhyan se dekhega, ye first kind ka improper integration hoga. Ye proper integration maine aapko bataya. Now we come to the second kind. Second kind mein kya kya conditions hain, usko dekhega. Range of integration is finite and integrand is unbounded. For example, आप देखिए integration में लिख रहा हूं 0 to 4 dx upon x minus 1 x minus 2. क्या इंटीग्रेशन की लिमिट जो रेंज है वो फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है 0 से 4. और क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, नहीं है. कहाँ कहाँ पे आप 0 और 4 के बीच में, अगर 0 और 4 के बीच में 1 आता है, 1 पे चेक करेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा. इट मीन्स द फंक्शन इंटीग्रेंड इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2. तो दो पॉइंट्स पे जो इंटीग्रेंड है वो अनबाउंडेड आ रहा है. ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस पॉइंट पे वो फंक्शन अनबाउंडेड आएगा वो पॉइंट इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर ही होना चाहिए. पता चला आपने रेंज ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर कोई पॉइंट चेक किया वो अनबाउंडेड है, तब उसको इम्प्रॉपर हम नहीं बोलेंगे. तो क्या आप सिर्फ इंटीग्रेशन की रेंज देख के बता सकते हैं कि क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि सेकेंड काइंड में भी इंटीग्रेशन की रेंज फाइनाइट है, यहाँ भी इंटीग्रेशन की रेंज क्या है, फाइनाइट है. लेकिन यहाँ इंटीग्रेंड बाउंडेड था, यहाँ इंटीग्रेंड अनबाउंडेड है. तो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल. तो ये दो टाइप्स होते हैं इंटीग्रल्स के, जिसमें प्रॉपर मैंने आपको बताया. प्रॉपर इंटीग्रल्स आर ऑलवेज कन्वर्जेंट. प्रॉपर इंटीग्रल्स आर ऑलवेज कन्वर्जेंट. प्रॉपर इंटीग्रेशन की हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू आएगी. एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. ये कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं. यही हमको इस पूरे चैप्टर में करना है क्वेश्चंस में, कि क्या वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो इसके लिए अलग अलग टेस्ट हमको अप्लाई करने होंगे. और वो अलग अलग टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि इज द इंटीग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड, ये आपको चेक करना होगा. तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, जल्दी नेक्स्ट वीडियो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की मैं लेकर के आऊँगा.